आज हम बात करेंगे फार्माकोविजिलेंस प्लानिंग के बारे में, जो कि ICH E2E गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा इंट्रोडक्शन टू ICH E2E गाइडलाइन, सेफ्टी स्पेसिफिकेशन एंड फार्माकोविजिलेंस प्लान। गाइडलाइन के इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में, बैकग्राउंड ऑफ ICH E2E गाइडलाइन और स्कोप क्या है ICH E2E गाइडलाइन का। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस गाइडलाइन को इंट्रोड्यूस करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला तो ये है कि इस गाइडलाइन के हिसाब से हम फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं, प्लस इस गाइडलाइन के हिसाब से हमें मेथड ऐसे मिलते हैं जिसके हिसाब से हम समरी तैयार कर सकते हैं किसी भी ड्रग से रिलेटेड जो भी रिस्क है उसका। तीसरा, जैसे रिस्क क्या क्या हो सकते हैं उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे आइडेंटिफाइड रिस्क हो गए, पोटेंशियल रिस्क हो गए, मिसिंग इन्फॉर्मेशन, कुछ हमें क्लिनिकल ट्रायल्स में नहीं मिल पाया उसकी जानकारी हम गैदर कर सकते हैं, प्लस जो पॉपुलेशन रिस्क पे है ड्रग यूज़ के कारण उसकी हम स्टडी की देख सकते हैं, और ऑफ लेवल यूज़ क्या है प्रोडक्ट की वो भी देख सकते हैं। चौथा क्या है कि इस गाइडलाइन के हिसाब से हम एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं जो कि एज ए गुड प्रैक्टिस काम करेंगे, हम गुड प्रैक्टिस के रूप में लेंगे, ताकि हम जो भी ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़ के लिए उसकी डिज़ाइन और उसके कंडक्ट के लिए एक प्रिंसिपल सेट कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ ICH E2E गाइडलाइन, E2E गाइडलाइन की क्या कमियां हैं, किस चीज़ को ये कंसिडर नहीं करता है। तो पहला क्या है कि इट डज नॉट प्रिस्क्राइब अदर मैथड टू रिड्यूस रिस्क फ्राम ड्रग सच एज रिस्क कम्युनिकेशन। कैसे रिस्क कोई होगा ड्रग का एसोसिएटेड होता है तो उस रिस्क को कैसे कम्युनिकेट करना है उसके बारे में इस गाइडलाइन में कोई मेथड नहीं बताया गया है, प्रोसीजर नहीं बताया गया है। दूसरा क्या है कि दिस गाइडलाइन डज नॉट कवर द एंटायर स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस। इस गाइडलाइन के हिसाब से हम पूरी फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी को नहीं कवर कर सकते हैं। ICH E2E गाइडलाइन को शुरू करने की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रही, तो सबसे पहले कि क्या देखते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स। जब भी क्लिनिकल ट्रायल्स होता है तो उसमें हमारे पास लिमिटेड जानकारी होती है जिसके हिसाब से हम बेनिफिट और रिस्क को कवर करते हैं दवाओं का, जिसके हिसाब से ड्रग्स का अप्रूवल होता है। अब ड्रग एक बार अप्रूव हो जाता है, मार्केटिंग के लिए अप्रूवल मिल जाता है तो मार्केट में आ जाता है। तो मार्केटिंग फेज में क्या होता है कि दवा जो है उसका यूज डिफरेंट कंडीशंस में होने लगता है, जिसके हिसाब से नई जानकारियां जनरेट होती हैं। वो नई जानकारियां क्या कर सकती हैं कि जो पहले से जानकारी थी हमारी बेनिफिट और रिस्क का, उसको वो टेम्पर कर सकती हैं, इम्पैक्ट द बेनिफिट और रिस्क ऑफ प्रोडक्ट। सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ प्रोडक्ट कैन चेंज ओवर टाइम, कि किसी भी दवा का जो प्रोफाइल है, सेफ्टी प्रोफाइल है, वो चेंज हो सकता है लंबे समय में। और इसका कारण क्या है कि पेशेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज होते रहते हैं, और नंबर ऑफ पेशेंट एक्सपोज जो होता है वो मार्केटिंग फेज में जाती होता है। इन दो मेन कारणों के हिसाब से सेफ्टी प्रोफाइल है प्रोडक्ट का वो चेंज हो सकता है। इसी के हिसाब से जो है जो भी सेफ्टी इंफॉर्मेशन जनरेट होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलांस में, उसका इवेल्यूएशन करना जरूरी है, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इंफॉर्मेशन जनरेटेड थ्रू फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल प्रोडक्ट टू इंश्योर देयर सेफ यूज। अब ऐसा है कि जो भी फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी कंपनीज करती हैं उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो है सभी प्रोडक्ट का हम सेफ और इफेक्टिव और रेस्टफुल यूज को इंश्योर कर सकते हैं। बेनिफिट रिस्क बैलेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग रिस्क टू पेशेंट थ्रू इफेक्टिव फार्माकोविजिलेंस दैट कैन इनेबल इंफॉर्मेशन फीडबैक टू द यूजर्स ऑफ मेडिसिन इन अ टाइमली मैनर। देखिए क्या होता है कि जो भी बेनिफिट और रिस्क होता है दवा का वो लंबे समय पर प्रभावित हो सकता है। अगर रिस्क बढ़ रहा है तो उससे बेनिफिट हम उस दवा का नहीं उठा सकते, लेकिन अगर क्या करें कि अगर हम फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करके और रिस्क को रिड्यूस करने की कुछ इफेक्टिव अप्रोच लिया जा सके, जिससे क्या होगा कि जो मेडिसिन जो
एंड यूजर कंज्यूम करेगा, पेशेंट कंज्यूम करेगा, उसको एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसको एक अच्छा हेल्प मिलेगा। स्कोप क्या है ICH E2E गाइडलाइन का? सबसे पहले कि ये काम किस चीज़ को ये कैटर करता है, ये गाइडलाइन सब ये न्यू जो भी न्यू केमिकल आइडेंट एंटिटीज़ होती हैं, जो न्यू केमिकल जनरेट होते हैं, जो API जनरेट होते हैं, उसको ये ICH E2E गाइडलाइन में हम इंक्लूड करते हैं। दूसरा, जितनी भी वैक्सीन्स हैं उन सबको भी हम इंक्लूड करते हैं। और तीसरा, जो भी बायोलॉजिकल डिराइव्ड प्रोडक्ट होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी डिराइव्ड प्रोडक्ट होते हैं, वो ये मेजर तीन चीज़ों को इस गाइडलाइन के अंडर में कवर किया जाता है। तीसरा क्या है कि सिग्निफिकेंट चेंज इन एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट। कोई सपोज दैट कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है, जो भी हमारा प्रोडक्ट इस्टेब्लिश्ड है पहले से मार्केट में, जो पहले से अवेलेबल है, लेकिन उसमें कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजिंग की गई है, जैसे कि चेंजेज इन डोजेज फॉर्म, दूसरा चेंजेज इन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सपोज दैट एक प्रोडक्ट है आपका, वो टैबलेट के फॉर्म में मिल रहा है, 10 साल से मार्केट में है, लेकिन अभी न्यू क्या किया गया, उसको मार्केट में रीइंट्रोड्यूस किया गया है एज ए सिरप। चेंज इन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास जो दवा है पहले ओरल अवेलेबल था, लेकिन आज 10 साल के बाद से उसको हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए और उसको हम आज IV देने के लिए बनाए। इसी में तीसरा आता है, वो होता है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज किया गया है। जो बायोलॉजिकली डिराइव्ड प्रोडक्ट होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से उस प्रोसीजर में कुछ चेंजेस किए गए हैं, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर बायोटेक्नोलॉजी डिराइव्ड प्रोडक्ट। तीसरा कैटर करता है ICH E2 गाइडलाइन फॉर एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट एस्टेब्लिश्ड है लेकिन अब उसमें जो है कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं किए गए हैं उसमें, लेकिन अब क्या होगा इस संदर्भ में कि वो न्यू पॉपुलेशन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फर्स्ट टाइम। सपोज दैट दवा इंडिया में 10 साल तक चली, इसके पहले वो आज के पहले वो कहीं बाहर फॉरेन कंट्रीज में नहीं दी गई, लेकिन अब जब नई जगह हम देंगे तो भी हम ICH E2E गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, मतलब कि न्यू पॉपुलेशन। दूसरा क्या होगा कि सिग्निफिकेंट न्यू इंडिकेशन। सपोज दैट दवा जो है कार्डियक पेशेंट को दी जा रही थी, अब उसमें चेंज करके उसको हेपेटोलॉजी में दिया गया। इस तरह की कुछ न्यू फाइंडिंग्स करके न्यू इंडिकेशन, न्यू डिजीज़ में अगर दवा को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उस केस में भी हम ICH E2E गाइडलाइन को फॉलो करें। तीसरा क्या होगा कि कुछ ऐसा कंसर्न राइज हो रहा है पेशेंट के तरफ से, दवा के तरफ से, कि कुछ सेफ्टी इशू राइज हो रहा है। सपोज दैट दवा पहले से इस्टेब्लिश्ड है, हमारी दवा पहले से इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन आज जो है 10-15 साल के बाद से अचानक से पता चला कि उस दवा के कारण बहुत सारे लोग बीमार होने लगे, तो ऐसे केसेस में भी हम ICH E2E गाइडलाइन का इस्तेमाल करके फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी को प्लान करते हैं। दिस गाइडलाइन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शन। इस गाइडलाइन को 3 सेक्शंस में बांटा गया है, सेफ्टी स्पेसिफिकेशन, फार्माकोविजिलेंस प्लान, और तीसरा है एनेक्सर, जिसमें बात की गई है फार्माकोविजिलेंस मेथड के बारे में। द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स अंडरपिन दिस गाइडलाइन। इस गाइडलाइन की जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि प्लानिंग ऑफ फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी पूरी जीवन पर्यंत जो है हम फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी की प्लानिंग कर सकें। जो भी हम दूसरा क्या है, साइंस बेस्ड अप्रोच टू रिस्क डॉक्यूमेंटेशन। जो भी दवा का रिस्क हमें आइडेंटिफाई हो रहा है उसको हम एक वैज्ञानिक तरीके से डॉक्यूमेंट करें। तीसरा क्या है, इफेक्टिव कोलैबोरेशन बिटवीन रेगुलेटर्स एंड इंडस्ट्री। ये गाइडलाइन के तहत हम एक सामान्य कोलैबोरेशन के लिए, सामान्य सहमति के लिए ये बहुत ही कारगर होगा रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए और जो फार्मा कंपनी है, और एप्लीकेबिलिटी ऑफ फार्माकोविजिलेंस प्लान अक्रॉस द 3 ICH रीजन्स, या फिर ये कहें कि जो भी ICH मेंबर्स हैं कंट्री, उनमें सेम एक्टिविटी को फॉलो किया जाए, इसलिए भी हम इसकी यूज कर सकते हैं। सेफ्टी स्पेसिफिकेशन,
सेफ्टी स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं। सेफ्टी स्पेसिफिकेशन एक तरीके से क्या है, समरी है। समरी क्या है, किस चीज़ की समरी है, जो भी इम्पॉर्टेंट रिस्क ऑफ ड्रग आइडेंटिफाई किए जाते हैं उस चीज़ की एक समरी है। दूसरा किस चीज़ की समरी है, जो भी पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं उसका समरी। तीसरा इम्पॉर्टेंट मिसिंग इंफॉर्मेशन, जो भी हम पहले हमारे पास जानकारी नहीं थी जो मिस कर गए थे हम क्लिनिकल ट्रायल में, उस चीज़ को हम फाइंड आउट करने के लिए भी उसकी समरी के रूप में हम सेफ्टी स्पेसिफिकेशन सबमिट करते हैं। दिस सेफ्टी स्पेसिफिकेशन इज इंटेंडेड टू हेल्प इंडस्ट्री एंड रेगुलेटर्स। ये जो समरी है सेफ्टी स्पेसिफिकेशन, इससे हम एक फार्मा इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई एनी नीड फॉर स्पेसिफिक डेटा कलेक्शन, क्या कोई और डेटा की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। दूसरा टू फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्माकोविजिलेंस प्लान, अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क, पोटेंशियल रिस्क और मिसिंग इंफॉर्मेशन को, तो हम इस सेफ्टी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी को पहले से प्लान कर सकते हैं। ICH E2E गाइडलाइन में सेफ्टी स्पेसिफिकेशन की कुछ एलिमेंट्स बताए गए हैं, मतलब एलिमेंट्स मतलब कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं सेफ्टी स्पेसिफिकेशंस के लिए, और ये एक गाइड के रूप में है। और सेफ्टी स्पेसिफिकेशन कैन बी इंक्लूड एडिशनल एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें कुछ एलिमेंट्स या कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं जिसके हिसाब से हम सेफ्टी स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम जो भी सेफ्टी स्पेसिफिकेशन बनाएं वो जो ICH गाइडलाइन है, ICH E2E गाइडलाइन है, जितनी दी गई है पॉइंट्स केवल उसी उतना ही बनाएं। वो चेंज हम कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट जो हमारा है उसके नेचर पे और डेवलपमेंट प्रोग्राम किस तरीके का है, इसके अनुसार हम उसमें कुछ एडिशनल एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है, एलिमेंट्स स्पेसिफिकेशन के, तो एज इसको जो है आप एक टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में देख सकते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं। नॉन क्लिनिकल डेटा होगा, क्लिनिकल डेटा होगा जिसमें क्या होगा, लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन सेफ्टी डेटाबेस। दूसरा क्या होगा, पॉपुलेशन नॉट स्टडी इन प्री अप्रूवल फेज, एडवर्स इवेंट या एडवर्स ड्रग रिएक्शन, आइडेंटिफाइड रिस्क दैट रिक्वायर फर्दर इवेल्युएशन, पोटेंशियल रिस्क दैट रिक्वायर फर्दर इवेल्युएशन, आइडेंटिफाइड एंड पोटेंशियल इंटरेक्शंस इंक्लूडिंग फूड ड्रग एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस, एपिडेमियोलॉजिकली डेटा क्या है और फार्माकोलॉजिकल क्लास इफेक्ट क्या है, और फिर आखिरी में क्या होगा, जो भी डेटा प्रेजेंट है हमारे पास, नॉन क्लिनिकल डेटा, क्लिनिकल डेटा जो भी प्रेजेंट है उस, ये सारी चीज़ की हम एक दोबारा से इसमें समरी नोट करते हैं। तीसरा क्या है, फार्माकोविजिलेंस प्लान, ICH E2E गाइडलाइन फार्माकोविजिलेंस प्लान। तो फार्माकोविजिलेंस प्लान शुड बी बेस्ड ऑन सेफ्टी स्पेसिफिकेशन, मतलब कि जो फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी है, जो परफॉर्म करना है, जो मेथड है, जो उसकी प्लानिंग है, वो किस पे होना चाहिए, वो जो भी सेफ्टी स्पेसिफिकेशन तैयार किए जाएंगे उसके हिसाब से होना चाहिए। द स्पेसिफिकेशन एंड प्लान कैन बी रिटेन एज टू पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट, स्पेसिफिकेशन और फार्माकोविजिलेंस प्लान, ये दोनों अलग अलग नहीं सबमिट करना है, लेकिन ये दोनों जो है एक ही डॉक्यूमेंट के दो अलग अलग हिस्से हैं। प्लान वुड नॉर्मली बी डेवलप्ड बाय स्पॉन्सर प्रायर टू अप्रूवल, जब भी हम दवा को क्लिनिकल ट्रायल के बाद से हम जब अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके पहले ही हमें स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो है हम प्लान तैयार कर लेते हैं, उसको डेवलप कर लेते हैं। और ये डेवलप कौन करता है, जो भी स्पॉन्सर है, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो भी दवा डेवलप कर रही है वो कंपनी पहले ही बना लेती है। द लेंथ ऑफ डॉक्यूमेंट विल लाइकली डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट एंड इट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इतने 100 पेज का 200 पेज का ऐसा होना चाहिए हमारा जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो लेंथ है डॉक्यूमेंट का वो प्रोडक्ट के और उसके डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से वैरी कर सकता है। द फार्माकोविजिलेंस प्लान शुड बी अपडेटेड एज इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन सेफ्टी बिकम अवेलेबल एंड माइलस्टोन आर रीच्ड। आप एक बार कोई फार्माकोविजिलेंस प्लान बना देते हो,
इसके बाद से ऐसा कुछ नहीं है कि वो हार्ड एंड फास्ट हो गया है, वो अब अपडेट नहीं हो सकता है। बल्कि अगर कोई नया इंफॉर्मेशन जनरेट होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके हिसाब से जो भी नई सेफ्टी इंफॉर्मेशन, कुछ नई जानकारियाँ मिली है, उसके हिसाब से जो है हम फार्माकोविजिलेंस प्लान को अपडेट कर सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस प्लान, अब हम देखेंगे कि इस फार्माकोविजिलेंस प्लान के अंडर में हम क्या सबमिट करते हैं। तो इसका दो मेजर हिस्सा है, एक है स्ट्रक्चर ऑफ फार्माकोविजिलेंस प्लान, जिसके अंडर में आता है आपका समरी ऑफ ऑनगोइंग सेफ्टी इशू, रूटीन फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिस क्या परफॉर्म किया जाएगा, एक्शन प्लान फॉर सेफ्टी इशूज और समरी ऑफ एक्शन टू बी कंप्लीटेड इंक्लूडिंग माइलस्टोन्स। और दूसरा हिस्सा क्या होगा, फार्माकोविजिलेंस मेथड। इसमें क्या होता है कि जो डिज़ाइनिंग या कंडक्ट ऑफ जो भी ऑब्जर्वेशनल स्टडी करनी होती है, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, उसको कैसे कंडक्ट करना है, उसके बारे में डिटेल्स होती है। अब तक के ICH-A2 गाइडलाइन में जो भी डिटेल्स आपको दी गई हैं, उसमें फार्माकोविजिलेंस मेथड के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फार्माकोविजिलेंस में काम करना चाहते हैं, उनको बेसिक जानकारी अवेलेबल हो।